नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का बिरसा न्यूज चैनल पर स्वागत है। इस वक्त हम हुसैनाबाद नगर पंचायत के जेपी चौक पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ठीक हमारे पीछे आपको एक नाला दिख रहा होगा। इस नाले का निर्माण MGCPL कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। MGCPL कंपनी है कौन? तो MGCPL कंपनी वह कंपनी है जो हुसैनाबाद का रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करा रही है। और इस नाले का निर्माण छतरपुर रोड में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर आपको दिखेगा। और इस नाली का निर्माण MGCPL कंपनी करा रही थी, तो उसके बाद हुसैनाबाद नगर पंचायत के कार्यपालक प्राधिकारी मोहम्मद परवेज के द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया जाता है। और वह तुगलकी फरमान है क्या? कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा तुगलकी फरमान जारी करने के बाद जब हमने उनसे बयान लेना चाहा तो नगर पंचायत कार्यालय का हमने जब चक्कर लगाया तो नगर पंचायत कार्यालय से नदारद मिले। फिर हमें किसी अखबार के द्वारा सूचना मिली कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि किसी स्थानीय नागरिक के द्वारा मौखिक पे उन्होंने इस पे तुगलकी फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि यह करीब नाला सिर्फ यहाँ नहीं बना है, यह नाला करीब 1 से 1.5 किलोमीटर बनता आया और वहाँ पे जाकर ख़त्म हो जाता है। और इसे सिर्फ यहाँ पर ही क्यों अतिक्रमण किया जा रहा है? इस नाले पे सिर्फ यहाँ पर ही क्यों अतिक्रमण कहकर इसे तुगलकी फरमान जारी करें? क्या उनको और आगे नहीं दिखता है? क्या उनको सिर्फ ये चाहिए? यहाँ पे MGCPL कंपनी के द्वारा उनको ये नहीं मिला, इसलिए MGCPL कंपनी को एक आवेदन देकर इसे काम को रुकवाया गया है। आपको बता दें कि इस काम को रुकने के बाद एक नाला में पानी, आप देख रहे हैं कैमरा में से चाहेंगे और पास में आए आप देख लीजिए, ये जो नाला का पानी है, नाला का पानी कहीं जा नहीं रहा है, ये यहाँ पर जाम लग जा रहा है जिस वजह से इसमें आगे पानी भर जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोगों को बहुत दुर्गंध आ रही है और कई तरह की बीमारी की समस्याएँ भी हो रही है। अब देख लीजिए, जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा साफ कहना है कि जो नाले का निर्माण हो रहा था वह नाले के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा तोड़फोड़ भी किया गया है। आप देख सकते हैं पूरा बाउंड्री को तोड़फोड़ किया गया है और कई तरह के इन लोगों को समस्या हो रही है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि इस नाली का निर्माण जब हो रहा था तो इसे बंद क्यों कराया गया? कागज़ पर इस नाली का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन इसे जब स्थल पे आएंगे तो इस काम को सिर्फ आपको अधूरा ही मिलेगा। अब अधूरा क्यों मिला? कार्यपालक इसमें क्या भूमिका है? क्या MGCPL कंपनी हुसैनाबाद नगर पंचायत के अधीन आती है? तो इसमें कार्यपालक की हस्तक्षेप करना क्या सही है? तो ये तो आप ही जानते हो कि कार्यपालक के द्वारा इसमें हस्तक्षेप क्यों किया गया है। वहीं इस अधूरे नाली निर्माण कार्य से स्वामी इंडियन गैस एजेंसी की पुराने ऑफिस की चारदीवारी को तोड़ दिया गया। इसके अलावा अन्य सामानों को भी क्षति पहुंचाई गई, जिस पर स्वामी इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधन ने कंपनी से नुकसान की भरपाई करने को कहा। देख सकते होंगे यहाँ पे तीन तीन नाली है हुसैनाबाद में। आप चले जाइए नगर पंचायत में, आपको नाली के ऊपर पानी बहता दिखेगा, तो कहीं नाली नहीं है, लेकिन यहाँ पर तीन तीन नाली का निर्माण क्यों? हम सवाल पूछते हैं, बिरसा न्यूज चैनल प्राधिकारी से सवाल पूछता है कि यहाँ पे तीन तीन नाला का निर्माण क्यों? अगर मान लीजिए कि ठीक वो नाला अगर उसे तोड़कर इसे इधर लाना था तो उसके बाद फिर इसका निर्माण क्यों? जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी एक नाला बना हुआ है और पानी इसी से भी जा रहा है, और ये पानी पूरा वहाँ नहीं जा रहा है, कहीं और डाइवर्ट हो गया है, जिस वजह से यहाँ पर कई बीमारी भी फैल रहा है। और यहाँ पर देखिए, जो नाला बन रहा था इसे आधा ही क्यों छोड़ा गया? इसे पूरा निर्माण क्यों नहीं किया गया? तो हम मेरा यही सवाल है कि यहाँ पर तीन तीन नाला का क्या जरूरत थी? यहाँ पर तीन तीन नाला की क्या जरूरत थी? इसमें किसका पैसा बर्बाद हो रहा है? तो हमारी आम जनता की पैसा इसमें बर्बादी हो रही है। ये हमारा ही टैक्स के पैसा से ये सरकार इसमें निर्माण करा रही है। तो ये कार्यपालक पदाधिकारी को इसमें जवाब देना होगा कि इसमें आपने हस्तक्षेप क्यों किया? आपके हस्तक्षेप के बाद यहाँ पे कई तरह के जो स्थानीय लोग हैं उनकी कई तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे पूरा मिट्टी डाला गया है, उधर तोड़फोड़ किया गया है, और यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि हमें बहुत तरह की यहाँ पे समस्याएं हो रही है। चलिए हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम चाय के टपरी पे हैं और लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे क्या समस्या हो रही है। आपका बगल में ही दुकान है, आपका नाम रंजीत कुमार गुप्ता है। बताइए यहाँ पे तीन तीन नाला का निर्माण क्यों जरूरी था? अरे जरूरी है, ये है तो इसमें एक नाला पहले से बना हुआ है तो दोबारा काहे बन गया? ये चीज गलत है ना? हाँ गलत तो है। और तीसरा, मेरा बना हुआ है, नगर पंचायत से बना हुआ है ना, जब ये बना हुआ है तो फिर दूसरा बन गया, फिर तीसरा बन गया। ये चर्चर को 5-5 को 10-10 को नाला एक ही जगह बनता है तो पैसा किसका लगता है? मेरा लगता है। अरे नगर पंचायत हमसे पैसा लेता है, ट्रेड लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं,
सभी दुकानदार बनवाते हैं, सभी के पास नाला है, मगर तीन तीन नाला क्यों बन रहा है यहाँ पे? अच्छा, जो ये नाला जो अधूरा पड़ा है इसे पूरा नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पे कई कचरा जम गया, नाला का पानी आ जा रहा है, तो क्या आप लोग की समस्या नहीं होती है? समस्या है नहीं, बहुत समस्या है, पूरा कचरा भरा हुआ है। देख लीजिए, इन्हीं का चाय का दुकान है, नाम क्या चाचा? नाम राजेंद्र प्रसाद है। आप यहाँ पे दुकान लगाते हैं और यहीं पे नाला का पानी जमा हुआ कचरा पूरा हो गया है, तो आप लोग क्या समस्या होता है? समस्या तो है, गंदगी है और कुछ ही, दुर्गंध भी आता है। दुर्गंध तो बहुत ज्यादा है, पूरा महकता है। देखिए पूरा नाली, पूरा नगर पंचायत से बोलते बोलते हम थक गए हैं, उसका पटिया कम से कम उसको बंद कर दीजिए, अभी तक उसका पटिया बंद नहीं हुआ है और नाली सब महकता है, उसमें कितना लोग अभी तक गिर चुका है। और नगर गिरियो के वहाँ पे गिरियो गया है। हाँ, वो वाला में अंदाज नहीं मिला, अंधेरिया है। रंजीत जी, उसमें पानी जा रहा है, देखिए अभी कितना बने। मेरा नाम रंजन कुमार है। क्या आप हुसैनाबाद नगर पंचायत के निवासी हैं? हाँ, हुसैनाबाद नगर पंचायत। क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं तीन तीन नाला का निर्माण किया गया, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हम कहना यही चाहते हैं कि जो नाली निर्माण हुआ है ये बहुत ही गलत ढंग से किया गया है, जो पानी निकासी में काफ़ी कठिनाई से सामना करना पड़ रहा है, जो अभी देखा जा सकता है कि पानी किस प्रकार से वहाँ जमा है, जिस कारण से ये नाली निर्माण हो रहा था कि डायरेक्ट इसको निकाला जाए, डायरेक्ट ड्रेन में वहाँ मिलाया जाएगा और मिलाने के बाद जो है सीधे पानी चल जाएगा और उससे कई प्रकार की बीमारी उत्पन्न होने की समस्या है। अभी तो इस स्थिति में देख लीजिए, पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें बरसात में क्या होगा कि पूरे नगर पंचायत के जो घर दिखाई दे रहे हैं पूरा ही भर जाएगा। अच्छा, ये बताइए सिर्फ यहाँ पर ही क्यों दिक्कत हुआ, और आगे जब करीब 1 से 1.5 किलोमीटर बनता आ रहा है और यहाँ पर ही क्यों दिक्कत हुआ, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर इस प्रकार की दिक्कत हुआ कि आगे जो उनको मिलाना था सीध में नहीं ले गए, वहाँ जो मोड़ दिए टेढ़ा कर दिए, जिस कारण से पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है। गुप्ता, क्या बोलना चाहते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि नगर पंचायत में ये जो नाला है नहर मोड़ से लेकर जयप्रकाश चौक तक का, उधर से चलता है 1.5 फीट का, यहाँ आके इसको बनना चाहिए 3.5 फीट और प्लस अंडरग्राउंड और ज़्यादा नीचे होना चाहिए। तो यहाँ जो है कि सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए सब एक दूसरे पे ब्लेम करके इसको जो है जैसे तैसे बनवा के अपना हटा दिए कि अगला साल जब इलेक्शन होगा तो हमारा उल्लू सीधा हो जाए। तो वहाँ पे उतना दूर से कोई दिक्कत नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ से 10 या 20 मिनट। आप ये खुद देख लीजिए कि उस दुकान के पास क्या टर्निंग है, यहाँ क्या टर्निंग है, वहाँ जाके वो क्या टर्न हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यदि आप घर, हाँ, यदि आप घर का नाला बनवा रहे हैं या घर में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो हर नाली को आप सीधा बनवाते हैं कि मेरा कहीं कोई चीज़ फंसे ना। ठीक है, तो जब ये बन रहा था उस समय तो सोचना चाहिए जो बनवा रहा था। तो ये हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए ना, पब्लिक जो है यदि गवर्नमेंट की किसी भी कार्य में यदि हस्तक्षेप करती है तो प्रशासन का कहना होता है कि पब्लिक हस्तक्षेप कर रही है, तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तीन तीन नाले का जरूरत था? जरूरत नहीं था, ठीक है, बना तो चीज गलत हुआ है ना, गलत हुआ है। जनप्रतिनिधि को सुनिए ना, पब्लिक तो भाई जिसको वोट दी है उसको कंप्लेन करेगी, तो हमारे जनप्रतिनिधि सब सोए हुए हैं, ठीक है। अभी देख लीजिए नगर पालिका के अंडर में आप आते हैं तो ये आप देख लीजिए घुमा के रोड पर, ठीक है, कि नगर पालिका की तरफ से जो पानी जो चलता है उसकी जो है रोड पर कितनी बर्बादी हो रही है। जनप्रतिनिधि को इससे कोई मतलब नहीं है। आप देख सकते हैं अब नाला है, ये नाला का किस तरह से यहाँ पे पानी जम जा रहा है, कितनी गंदगी हो जा रही है। चलिए यहाँ पे आस पड़ोस के दुकानदारों से समझते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हो रही है। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम संजय प्रकाश केसरी है, वहाँ पूछ लीजिए उनसे, बाबू से। आप ही का दुकान है? बाबू है। यहाँ पे जो पानी जम जा रहा है नाला का, आप लोग क्या समस्या हो रही है? समस्या तो पूरे जपला में है। नहीं, जैसे आप ही के दुकान के सामने ये जो नाला है पानी जम जा रहा है, इस पे आपका क्या कहना है? मैंने यहाँ तो जम जा रहा, समस्या तो है ये है, मेरे पूरे जपला में है, राम बीघा में जाकर के देखिए आपको कितना नाला का पानी वहाँ रोड पर मिलेगा आपको। आपके दुकान के सामने, इस पे आपका क्या कहना है? कहना यही है कि इसको जो है साफ सफाई हो, बढ़िया से ढकाई हो, नाली बढ़िया बने, और क्या कर सकते। ये चीज़ तो गलत हुआ है ना, जिस तरह से बन रहा है इसे अधूरा छोड़ा गया है, जो नाली का पानी जम जा रहा है कितना महंगा है। अब अधूरा किस कारण से छोड़ा गया है तो अब तो दुकानदार को पता नहीं है। आपके पास भी कस्टमर आते होंगे तो दिक्कत होती होगी ना कस्टमर को, चाहे गाड़ी लेकर आते होंगे तो दिक्कत होता होगा। दिक्कत तो है ही है, दिक्कत कहे नहीं। तो आप देख रहे थे यहाँ के दुकानदारों के द्वारा भी साफ कहा जा रहा है कि हमें इस नाले की वजह से जो अधूरा छोड़ा गया है इसके वजह से हमें बहुत समस्याएँ हो रही है। अब हमने देखना यह होगा कि कार्यपालक जो हैं हुसैनाबाद के
मोहम्मद परवेज, वो किस आधार पे और किस वजह से इस जो निर्माण हो रहा था नाले का इसे रोका गया है, क्या उन्हें कुछ चाहिए था इस वजह से नहीं मिला इस वजह से रोका गया है, क्या वो मौखिक, वो इतना आजकल अनुयायी हो गए हैं कि मौखिक स्थानीय जो हैं वो मौखिक के आधार पर आवेदन देकर इसे नाला का रोका गया है। उनके द्वारा कहा गया कि कुछ स्थानीय लोग थे जिन्हें हम मौखिक के द्वारा जो उन्होंने शिकायत किया इस वजह से इस आवेदन को उन्होंने MGCPL कंपनी के द्वारा आवेदन देकर इसे रोक लगाई है। देखिए हमारे साथ स्थानीय लोग हैं जिसके द्वारा जो कहा जा रहा था पदाधिकारी के द्वारा मोहम्मद परवेज के द्वारा कि स्थानीय लोगों ने हमें मौखिक आधार पर शिकायत की थी। चलिए हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानते हैं कि ये नाली का जो समस्या है, क्या आपने इसके लिए आपने शिकायत किया था, किसी पदाधिकारी के द्वारा कहा था कि यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, क्या आपने कोई अधिकारी को कहा है कि यहाँ पे अतिक्रमण हो रहा है? कई बार टूटा कई बार बना, समझे ना, कंपनी में कोई दोष नहीं है, यहाँ नागरिक में दोष है। देखिए यहाँ की लगभग 3 गो नाली बन चुका, लेकिन इसमें हल नहीं हो रहा है कि किस जगह नाली बनेगा। और नगर पालिका के बात रह गया, यहाँ कचरा का अंबार लगा हुआ है, यहाँ कचरा साफ नहीं होता है, फ़ोन करने के बाद जो कचरा कभी कभी साफ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो नाला बन रहा था, अगर वो नाला सही से बन जाता तो ये पानी यहाँ पे रुकता नहीं, सीधे जाकर उसमें नाला में मिल जाता और पानी सही से चला जाता। लोग बनने देगा तब तो, उसको बनने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं बनने दे रहा आपको क्या लगता है? खन कहता है कि यहाँ बनाओ, खन कहता है कि वहाँ बनाओ, तो खन कहता है वहाँ बनाओ, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। अच्छा ये बताइए, ये नाला करीब 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा है ना, उधर से आ रहा है ना छतरपुर रोड से, उधर कहीं उसको दिक्कत नहीं हुआ लेकिन यहाँ पर उसको दिक्कत हो गई। यहाँ राजनीति का अंबार लगा हुआ है, JP चौक पर राजनीतिक होता है, इसीलिए रुका हुआ है। मतलब ये राजनीति का भेंट चढ़ गया। हाँ, यहाँ राजनीति के चलते रुका हुआ है। तो देख सकते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा भी यही कहना है कि यह नाला किसी राजनीति का भेंट चढ़ गया है, इस वजह से इसे अधूरा छोड़ा गया है। आप देख सकते हैं ये नाला जब बन रहा था, वो नाला जब बन रहा था तो कार्यपालक को कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब ये नाला बन रहा हो तो कार्यपालक को दिक्कत हो गया। क्यों दिक्कत हो गया? कार्यपालक इस पर जवाब देना चाहिए ना। जब ये नाली का निर्माण हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, जब पीछे वाला नाली का जब निर्माण हो रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है, जब थर्ड जब बीच वाले जो नाला बन रहा है इसको जब बन रहा था तो कार्यपालक को दिक्कत हो गया। तो क्यों दिक्कत हो गया भाई? क्या आपको पैसा नहीं मिल रहा था? MGCPL कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही थी जिस वजह से आप इतना आप लटका दिए, काम को अधूरा छोड़ दिए? क्या हुसैनाबाद नगर पंचायत में आपको कहीं नाली नहीं दिखता है, सिर्फ यहीं पर आपको दिख रहा है? आप कहते हैं कि अतिक्रमण हो गया, कहाँ अतिक्रमण हुआ है आप दिखाइए। कहते हैं कि आप एक आवेदन दे दिए कि अतिक्रमण हो रहा है, नापी होगा, किस आधार पर दिए हैं? कहते हैं कि स्थानीय नागरिक के द्वारा मौखिक आधार पर हमने आवेदन दिया है। तो आप इतना अनुयायी हो गए कि मौखिक आधार पर आपने इतने बड़े निर्माण को अपने रोक लगा दिया? ये चीज़ तो गलत है ना। यहाँ के लोग भी कहते हैं कि ये चीज़ गलत है, यहाँ के दुकानदारों को भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे पानी देखिए किस तरह से जमा है, कैमरा में से चाहेंगे पूरा दिखाइए किस तरह से पानी जमा है। तो क्या हुसैनाबाद नगर पंचायत में इसी तरह का विकास होगा? कोई देखने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि इसको बोलने वाला भी नहीं है, जब उनसे बयान लेने जाओ तो कोई इस पर बोलने के भी तैयार नहीं है। तो क्यों सबकी मिली भगत है इसमें? अब हमें यह देखना दिलचस्प होगा कि हमारी वीडियो चलाने के बाद भी क्या यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद परवेज के नींद खुलती है या नहीं, या इसी तरह यहाँ के जो दुकानदार है JP चौक के, जो ठेला लगाते हैं, जो आस पड़ोस के यहाँ लोग हैं, उनको इसी तरह की समस्याएं होती रहेगी।